जो है फाइनली निकल आई है। अब जाओ मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक सेकंड। इसमें से कुछ नहीं खाना आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब आप लोग खैर से होंगे, फिट होंगे और मज़े से अपनी लाइफ को इन्जॉय करें होंगे। तो मैं आप लोग का अपना एक अदर बनी, मेरा चैनल बनी व्लॉग्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज बनी ज़रा थका हुआ है क्योंकि आज मेरी नींद पूरी हुई है, लेकिन फिर भी वो बासियाँ आ रही हैं। तो अभी बस मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया, ये मेरा नाश्ता है मेरे साथ में चाय का कप। हाँ 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 हाँ, मज़ा आ जाएगा साथ साथ चाय और साथ साथ ये सूखा हुआ बुढ़ों वाला नाश्ता। फाइनली धूप निकल आई है, ये गाड़ी पे मिट्टी जमी हुई है सब। तो धूप जो है फाइनली निकल आई है। टन टन, तो क्लीन शेव भी करना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि जब आपने कहीं जाना हो किसी जगह पे तो क्लीन शेव करना ज़रूरी होता है ना। तो मैं लगा हूँ रेडी होने, 4 बज गए, 5 बजे की हाइटी का टाइम है। टन टन, तो ये देखें मैं रेडी हो चुका हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्लीन शेव भी आप लोग के सामने जैसे मैंने दिखाई थी मैंने कर ली है, टोपी शोपी भी पहन ली है, जैकेट भी पहन ली है, नीचे मैंने ये हाईनेक भी पहन ली है और मैं हो चुका हूँ रेडी। क्या पड़ा हुआ है जाने लो। अच्छा जी, तो मैं बस अभी उबर करवा रहा हूँ। तो फिर मैं एक्चुअली मेरा जो दोस्त है वो उसकी सालगिरह थी कल, तो उसने कहा चलो मैं ट्रीट देता हूँ तुम्हें। तो आज वही मुझे किसी रेस्टोरेंट में लेके जा रहा है हाईटी पे। अब रेस्टोरेंट का मुझे पता नहीं है, बस मुझे उसने लोकेशन भेज दी है कि इस लोकेशन में पहुँच जाओ। रेस्टोरेंट का नाम मुझे उसने कुछ बताया था, मेरे ख्याल से कुछ जुनून रेस्टोरेंट है। तो वहाँ मैं जा रहा हूँ, उसकी फर्स्ट टाइम हाईटी ट्राई कर रहे हैं उनके रूफ टॉप के ऊपर, क्योंकि इनडोर तो बंद है, आउटडोर ही ओपन है कोविड की वजह से। तो मेरी उबर आ चुकी है, मैं जा रहा हूँ अब उबर पे बैठ के। अच्छा जी, तो मैं इधर आ गया हूँ, इधर ये कोई रेस्टोरेंट का नाम है जुनून, जुनून रेस्टोरेंट में मैं अभी आया हूँ। तो इनकी अभी 5:15 बजे इनकी हमारी जो स्लॉट थी वो हाईटी की हमने बुक करवाई थी, तो वो हाईटी अभी 5:15 बजेंगे। तो फिर मैं इधर जाऊँगा। जुनून रेस्टोरेंट कैसा नाम है, कहीं इन्होंने ज़्यादा पेट्रोटिक नाम से तो नहीं रखा हुआ जुनून, जैसे वो हमारा वो एक नेशनल सॉन्ग है ना, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। तो इसका मतलब है, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ही, जो बंदा है इसका ऑनर है, उसने बड़े पेट्रोटिक होगा वो अपने मुल्क को लेकर, तो उसने नाम रखा हुआ जुनून। एज़ यूजल मैं हमेशा पहले की तरह, हमेशा की तरह मैं वक्त से पहले पहुंच चुका हूं, और जो मेरा दोस्त है वो हमेशा लेट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा वक्त का पाबंद हूं, तो मैं हमेशा से जल्दी पहुंच जाता हूं। तो अभी बस उसी का वेट कर रहा हूं, तो वो जैसे आता है तो फिर हम इकट्ठे फिर आ जाते हैं।
ये नूरजहां है, ये नूरजहां का बनाया हुआ है, मुझे भी नूरजहां ही लग रही है, देखो तिल भी लगा हुआ है इसके। तो फाइनली मेरा दोस्त भी आ चुका है, तो अब हम अंदर जा रहे हैं, तो देखते हैं कि फिर जुनून, मैंने कॉल की थी तो पार्टी स्टार्ट हो गई है। और ये मैंने थोड़ा सा अपना प्लेटर भरा हुआ है, ये देखें आपके सामने डाला हुआ है। तो मेन्यू में काफ़ी चीज़ें हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आप लोगों को सारी एक एक चीज़ दिखाऊंगा। तो बाकी फ़र्स्ट टाइम इस रेस्टोरेंट में हम लोग आए हुए हैं हाईटी पे, तो बाकी देखते हैं इसका खाना ट्राई करके देखते हैं खाना कैसा है। बाकी मैं आप लोग का सारा व्यू दिखाता हूँ ज़रा रेस्टोरेंट का, ये मेरे पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड पर, ये सारी बाकी भी फ्रेंड That is good. अच्छा मुझे ये नहीं पसंद है मिनी पिज़्ज़ा। क्यों? बाकी सब कुछ अच्छा है। पिकौड़े। नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। नहीं मेरे लिए डाल दो। एक सेकंड। इसमें से कुछ नहीं खाना। तो खाना शाना हमने खा लिया है, खाना खा लिया ना हमने, पेट भर के रज के हमने खाना खा लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं बस घर, मैंने कहा मैं अभी उबर करवा लूँ तो फिर चलिए। ये मटका चाय भी आ गई हमारी, क्या बात है, इधर भी पड़ी थी मटका चाय। मटका चाय शक्कर वाली होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर तो वैसे काफ़ी अच्छा है, डेकोर भी अच्छा है रेस्टोरेंट का, लेकिन खाना बस इतना ख़ास नहीं था। लेकिन अभी बस अब घर जा रहे हैं, तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो, और इस तरीके से मुझे कमेंट करते रहो, प्यार दिखाते रहो। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। और मैं पीछे का एकदम व्यू भी दिखा दूँ आप लोगों को, ये पीछे का व्यू है सारा, अल्लाह हाफ़िज़।